हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा अलायंस। शिक्षा अलायंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सामान्य हिंदी की सीरीज़ के तहत हम पारिभाषिक शब्दावली देख रहे थे, और ये हमारा डेली बेसिस पे सेशन रहता है, जिसमें कि हम 15 पारिभाषिक शब्दावली को कवर करते हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहती है। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। तो आज की है वो प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का ये होता है परिचय, परिचय या पहचान, ठीक है, इसका मीनिंग होता है परिचय या पहचान। और दूसरा हम देखते हैं आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी का होता है विचारधारा, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजिक विचारधारा, और आइडेंटिटी यानी परिचय या पहचान। और इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता, ठीक है, नज़रअंदाज नहीं, अनभिज्ञता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, आइडेंटिटी यानी परिचय, ये सब जनरल वर्ड यूज होते हैं। इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता, ठीक है, इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता। उसके बाद देखते हैं इलीगल, ठीक है, इलीगल, और इलीगल का हो जाएगा अवैध, इलीगल का अवैध, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबल, ठीक है, और इसका है वो मीनिंग हो जाएगा अपाठ्य, ठीक है, एलिजिबल और इलीगल को होगा अवैध, एलिजिबल यानी अपाठ्य, ठीक है। और इलिटरेस यानी इलिटरेसी, तो यहाँ पे हो जाएगा निरक्षरता, तो ये यहाँ पे हो जाएगा जिसमें कि इलिटरेसी यानी जहाँ पे शिक्षा का अभाव है वो निरक्षरता, और यहाँ पे हो गया उसके बाद में अपाठ्य और अवैध, निरक्षर या निरक्षरता, ठीक है, इलिटरेसी। उसके बाद देखते हैं इम्पोज, ठीक है, किसी पे कोई चीज़ इम्पोज करना यानी अधिरोपित, अतिरूपित, ठीक है। उसके बाद में इंसिडेंटल यानी, ठीक है, इंसिडेंटल, तो इंसिडेंटल का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक, और दूसरा इसका वर्ड है आनुषंगिक, आनुषंगिक या प्रासंगिक, ठीक है। और उसके बाद में इंसेंटिव, इंसेंटिव, और इंसेंटिव का अर्थ होता है प्रोत्साहन, ठीक है, इंसेंटिव प्रोत्साहन। इम्पोज अधिरोपित, और इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक या आनुषंगिक, और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंचार्ज, इंचार्ज यानी प्रभारी, यानी कहीं का वो कहते हैं ना इंचार्ज है ये, तो यहाँ पे उनको है वो प्रभारी बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यानी जो सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट होता है, यानी वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद में इंक्रूड, यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ व्यय किया हुआ, व्यय किया गया, ठीक है, जो व्यय किया गया इंक्रूड हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बात की जाए इनिशियल, इनिशियल, और इनिशियल का हो जाएगा लघु हस्ताक्षर, इसको है वो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को कहा जाता है साक्षात्कार, ठीक है, बेसिकली जनरली भाषा में इंटरव्यू ही बोला जाता है, लेकिन है वो साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है वो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, ठीक है, यहाँ पे प्रीएम्बल का अर्थ समझना मत समझना, इंट्रोडक्शन का हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। और जल्दी से वो रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखा था आइडेंटिटी यानी परिचय या पहचान, ठीक है, आइडियोलॉजी विचारधारा, और इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा था इलीगल यानी अवैध, और एलिजिबल यानी अपाठ्य, इलिटरेट यानी निरक्षरता, ठीक है। उसके बाद देखा था इम्पोज, और इम्पोज यानी अधिरोपित। उसके बाद में इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक या आनुषंगिक, ठीक है। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, इंसार्ज यानी प्रभारी, ठीक है। इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि, और इनक्रेड यानी व्यय किया गया, ठीक है। उसके बाद देखा था इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर, और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, और इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।